हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी बीए सेमेस्टर टू के लिए, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो उसी सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलगरी, विच इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एलगरी बेसिकली अ स्टोरी विच टेल्स यू और विच पॉइंट आउट्स अ डीपर मीनिंग और आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इससे पहले हमने सोनेट, लिरिक और एपिक, बैलेड और उसके अलावा जो लास्ट हमने पढ़ी थी ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब काफ़ी सारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि सारी ही की सारी फॉर्म्स आपकी कुछ हद तक सिमिलर हैं, तो अगर सभी को आप पढ़ लेते हैं तो आपको रिलेट कर पाना ईजी होगा। तो ये जो एलगरी है, इसमें बेसिकली जो पोइट डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं वो किसी भी चीज़ का कुछ डीपर मीनिंग हो सकता है, ये कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होती है। सो द डीपर मीनिंग कैन बी थॉट ऑफ एज अ मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट या डीपर मीनिंग या आइडियाज़ हैं, ये किसी भी स्टोरी का मोरल हो सकता है। एंड एन एलगरी इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी के अंदर ही एक स्टोरी भी कई बार ये हो सकती है। इट हैज़ अ सर्फेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ। मतलब एक स्टोरी के अंदर ही छिपी हुई एक स्टोरी को कई बार ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, द सर्फेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबरिंग थ्रोइंग रॉक्स ऑफ एट ईच अदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया आपको कि दो औरतें हैं, या मतलब मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, जो कि एक दूसरे पे पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टोरी हो सकती है, बट इसके अंदर छिपी हुई स्टोरी किस चीज़ से के बारे में हो सकती है? अबाउट द वॉर बिटवीन टू कंट्रीज़। मतलब हो सकता है स्टोरी में डायरेक्ट आपको दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाले वॉर को नहीं दिखाया गया है, उसको कोरिलेट किया गया है दो नेबर्स की लड़ाई को दिखा करके। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ ये स्टोरीज़ होती हैं। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये एलगरीज होती हैं किस तरीके से इनको लिखा जाता है। उसके अलावा अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो एलगरी डिलीवर्स डिफ़िकल्ट मैसेज इन ईजी टू रीड स्टोरीज़। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टोरीज़ या डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, आइडियाज़ या मोरल्स को एक ईजी लैंग्वेज में डिलीवर किया जाता है, जिन स्टोरीज़ को कोई भी आसानी से पढ़ के उनकी मीनिंग को पॉइंट आउट कर सके। ठीक है, ह्यूमन बींग हैव यूज एलगरीज टू से थिंग्स दे कुड नॉट से एनी अदर वे। देखिए, जिन स्टोरीज़ को आप डायरेक्ट वे में या किसी और वे में नहीं कह पाते हो किसी से, या आप कहते हो कि उसको अपना जिस फॉर्म में वो स्टोरी या जिस फॉर्म में वो इंसिडेंट है, अगर उस इंसिडेंट को उसी फॉर्म में आप किसी को नहीं बता पाते हो, तो फिर आप वहाँ पर एलगरी का यूज़ कर सकते हो कि किसी और मेथड से या उसको किसी और स्टोरी से रिप्लेस करके या कोरिलेट करके आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑल्सो पीपल ऑफन यूज एलगरीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, वेदर इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज और मैनी एथिकल प्रॉब्लम्स दैट दे चैलेंज अस टूडे। मतलब कोई भी एथिकल प्रॉब्लम आपको आप आज की लाइफ में फेस करने को मिल रही है, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हो सकती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप ये मेथड या ये फॉर्म ऑफ पोइट्री यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का लास्ट लेक्चर, और इसी के साथ हमारी जो टोटल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं, और ये आपको सिक्वेंशियल फॉर्म में मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए जिसमें कि सारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपको मिल जाएंगी एक फॉर्म में अच्छे से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।